भारत में देशभक्ति का जज्बा कण कण में कैसे घुला है, इसकी झलक हमारी जेलों में बंद कैदियों के जज्बे ने दी। बिहार के गोपालगंज उपमंडल जेल के कर्मचारियों और कैदियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पिछले सप्ताह हुए आत्मघाती हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के लिए सेना राहत कोष को 50,000 रुपए का दान दिया है। अधिकारियों ने कहा कि सेना राहत कोष के पक्ष में एक डिमांड ड्राफ्ट सोमवार की दोपहर को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया था। गोपालगंज उप कारागार जेल में 30 महिला कैदियों सहित कुल 750 कैदी बंद हैं। जेल अधिकारियों ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद सभी कैदी घटनाक्रम को करीब से देख रहे थे और दुख की इस घड़ी में शहीद सैनिकों के परिवारों का समर्थन करने के लिए वे भी कुछ करना चाहते थे। इसके अलावा कैदियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र भी भेजा, जिस पर कम से कम 250 कैदियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र में कैदियों ने लिखा है, अगर युद्ध होता है तो हम सीमा पर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हम लड़ते हुए मर जाते हैं तो हम खुद को भाग्यशाली मानेंगे कि हमें शहीद कहा जाएगा, और अगर हम जीवित लौटते हैं तो प्रशासन को बिना कोई परेशानी किए वापस जेल में हम अपनी सजा काटेंगे। पुलवामा के शहीदों को कैदियों की नम्र श्रद्धांजलि। जेल अधीक्षक संदीप कुमार ने कहा कि हालांकि कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे कैदी जेल परिसर से बाहर काम कर सके, लेकिन कैदियों ने देश के लिए एक सार्थक जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण दिखाया है वह प्रशंसनीय है। यही जेल में सरकार के पुनर्वास कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य है। जेल अधीक्षक ने कहा कि सेना राहत कोष को दी गई यह राशि भले ही छोटी हो, लेकिन जेल में काम करने के दौरान अर्जित आय से उन्हें देशभक्ति का जो जज्बा दिखाया है उसे देख दुश्मनों के होश जरूर उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद फिल्म अभिनेता सलमान खान समेत देश के कई सेलिब्रिटी ने अपने अपने स्तर से शहीदों के लिए रकम देने की घोषणा की। सलमान खान ने तो 50 लाख रुपए तक राहत कोष में देने की घोषणा की है, लेकिन इन सारे सेलिब्रिटियों के करोड़ों अंशदान के बीच गोपालगंज के कैदियों का यह छोटा अंशदान अलग अनुभूति कराता है। देश व बिहार की अन्य खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए स्वतो समाचार। धन्यवाद।